हेलो एंड वेलकम इन नेक्स्ट आई न्यूज़। मैं हूँ आपकी होस्ट नैन्सी। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज स्पेशल प्रोग्राम में। बता दें आपको कि आज के स्पेशल प्रोग्राम में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं श्रीदेवी को लेकर। बॉलीवुड की ये खूबसूरत अदाकारा श्रीदेवी, जो हमेशा से ही अपनी बेहतर एक्टिंग के साथ साथ अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती थी। भले ही श्रीदेवी ने हम सबको अलविदा कह दिया हो, मगर श्रीदेवी अक्सर ही हमारे जहन में अब भी जिंदा है और हमेशा से ही वो हमारे जहन में जिंदा रहेंगी भी। बता दें आपको कि श्रीदेवी का ये जो निधन है, इसकी गुत्थी बीच में सुलझ सी गई थी। मानो हर किसी को इस बात पे यकीन हो गया था कि श्रीदेवी का जो निधन हुआ है वो एक एक्सीडेंटल है। मगर आपको बता दें, हाल ही में एक काफी बड़ी खबर आई है, जिसके बाद आज आप ये प्रोग्राम देखने के बाद भी आपके जहन में भी तमाम तरह के सवाल खड़े होंगे कि आखिर श्रीदेवी का जो निधन था वो एक सोची समझी प्लानिंग तो नहीं। पहले आपको बता दें, थोड़ा फ्लैशबैक आपको लेके चलते हैं। आपको ये भी बता दें कि श्रीदेवी का निधन 24 फरवरी को हुआ था। 24 फरवरी की वो काली रात जब श्रीदेवी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। श्रीदेवी बोनी कपूर के भांजे यानी मोहित मारवा की वेडिंग को अटेंड करने गई थी, जहां पर पूरा कपूर परिवार काफी ही खुश मिजाज अंदाज में दिखाई दे रहा था। श्रीदेवी ने भी यहाँ पर काफी ही इंजॉय किया, जहां पर मोहित मारवा की शादी हुई। शादी में उन्होंने तमाम डांस भी किए। बाद में जहां पर पूरा कपूर परिवार वापस मुंबई लौट आया, मगर श्रीदेवी दुबई में ही ठहर गई। आखिरी टाइम पर श्रीदेवी के उनके पति बोनी कपूर भी उनके साथ थे। तमाम तरह के उस टाइम पे सवाल खड़े हुए थे कि अचानक से श्रीदेवी ने इस दुनिया को कैसे अलविदा कह दिया। मगर बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आई तो उसमें ये बात क्लियर हो गई कि श्रीदेवी का निधन जो है बाथटब में डूबने से हुआ है। वहीं हाल ही में दिल्ली के पूर्व ACP वेद भूषण ने दुबई जाके इस मामले की जांच की, जहां पर उन्होंने तमाम तरह के फैक्ट्स को सामने रखा है। उनका कहना है कि श्रीदेवी का निधन बाथटब में डूबने से तो हुआ था, लेकिन इसके पीछे सोची समझी पूरी प्लानिंग है। यकीन मानिए, आज का ये प्रोग्राम देखकर आपके जहन में भी ये तमाम सवाल जरूर खड़े होंगे। क्या बोनी कपूर झूठे थे? क्या बोनी कपूर ने अब तक जो भी स्टेटमेंट अपनी पत्नी के लिए दिए थे वो सब झूठे थे? उनका निधन नहीं हुआ था, निधन हुआ तो था मगर ये सब सोची समझी प्लानिंग थी? ये तमाम तरह के सवाल हैं आज की इस रिपोर्ट में, आपको देखने के बाद आपके जहन में जरूर आएंगे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रीदेवी, जो हमेशा से ही अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी, श्रीदेवी का निधन एकदम अचानक से हुआ, जिससे मानो बॉलीवुड में और साथ ही साथ पूरे देश भर में एक शोक की लहर उठी थी। साथ ही आपको बता दें, 24 फरवरी की वो काली रात जब श्रीदेवी ने हम सबको अलविदा कह दिया था। श्रीदेवी मोहित मारवा की शादी में अटेंड होने के लिए वहां पर गई थी, जहां पर पूरा कपूर परिवार उनके साथ था। मगर अचानक से श्रीदेवी का पहर होटल के बाद टब में जा फिसला और जाकर डूबने से उनका निधन हो गया। निधन हो जाने के बाद भी श्रीदेवी के जाने की ये गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही। दिन ब दिन श्रीदेवी के निधन की ये गुत्थी और उलझती जा रही है। हाल ही में श्रीदेवी के निधन को लेकर एक काफी बड़ी खबर सामने आई है और काफी अहम फैक्ट्स भी ऐसे सामने निकल के आए हैं, जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे और आप भी ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे, क्या सच में श्रीदेवी का निधन हुआ था या फिर ये सोची समझी कोई प्लानिंग मर्डर था। आपको बता दें, दिल्ली के पूर्व SP रह चुके वेद भूषण की एक प्राइवेट जांच एजेंसी पुलिस सर्कुलेशन इंडिया की टीम हाल ही में दुबई जाकर श्रीदेवी के निधन की जांच की। इस दौरान टीम दुबई में उस होटल में पहुंची जहां पर श्रीदेवी का निधन हुआ था। इस जांच के बाद रिटायर SP ने कई सारे सवाल खड़े किए हैं,
रिटायर एसपी वेद भूषण ने अपनी टीम के साथ खुद दुबई जाकर जुमेरा होटल का पूरा मुआयना किया और बकायदा नक्शे और वीडियोग्राफी से पाया गया कि श्रीदेवी का निधन बाथटब में डूबने से तो हुआ है, लेकिन यह निधन एक एक्सीडेंट नहीं है। जांच के दौरान रिटायर एसपी ने पाया कि होटल के जिस कमरे में श्रीदेवी रुकी थी और जिस बाथटब में उनका निधन हुआ था, उस बाथटब की चौड़ाई 125 इंच है, लंबाई 150 इंच है और गहराई 29 इंच है। बाथटब का बेस 102 इंच है और उस बाथरूम का कॉरिडोर 36 इंच का है। रिटायर एसपी की माने तो ऐसे एक्सीडेंट में बाथरूम की एक्सीडेंटल निधन संभव नहीं है। जी हाँ, रिटायर एसपी के अनुसार श्रीदेवी की लंबाई, वजन और शरीर की बनावट के हिस्से में से ये बात बिल्कुल भी संभव नहीं है कि उनका निधन एक दुर्घटना से हुआ है। बता दें आपको कि श्रीदेवी की लंबाई 5 फुट 6 इंच थी और वजन 56 किलो। श्रीदेवी की निधन की जांच करने दुबई पहुंची वेद भूषण की टीम ने जब दुबई पुलिस से श्रीदेवी के खून के नमूने मांगे, उनके फेफड़ों में कितना पानी गया ये जानकारी मांगी और घटना से जुड़ी कई और जानकारी मांगी, तो उन्होंने ये सारी जानकारी देने से इनकार कर दिया। जी हाँ, ये काफी ही चौंकाने वाली बात है कि दुबई पुलिस ने पूर्व रिटायर एएसपी को ये कोई भी जानकारी देने से सीधा और साफ तौर पे ना कह दिया। डॉक्यूमेंट्स के नाम पर उन्होंने सिर्फ श्रीदेवी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट वेद भूषण को दी। वेद भूषण का कहना है कि दुबई पुलिस ने श्रीदेवी के निधन की जांच अच्छे से नहीं की और ना ही होटल के सीसीटीवी की जांच की गई। यहां तक कि श्रीदेवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी सार्वजनिक नहीं किया गया है। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस के रिटायर एसपी का दावा है कि श्रीदेवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ना तो ब्लड सैंपल का जिक्र किया गया है और ना ही श्रीदेवी के लंग्स की रिपोर्ट भी पेश की गई। खबरों की माने तो रिटायर एसपी वेद भूषण ने बताया कि श्रीदेवी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो एक्सीडेंटल ड्राइंग लिखा गया है, उसकी स्पेलिंग में भी मिस्टेक है। दरअसल वो ड्राइंग गलत है, इसका सही ड्राइंग होता है। हालांकि वेद भूषण ने यह भी कहा कि हो सकता है कि अर्बन में ड्राइंग को ड्राइंग लिखते हो। ये काफी ही चौंकाने वाला मामला है जो वेद भूषण एक बार फिर से तमाम तरह के फैक्ट्स को सामने लेकर आए। आपको बता दें, वेद भूषण कहते हैं दिल्ली पुलिस सुंदर पुष्कर मर्डर केस की पिछले 4 सालों से जांच चल रही है, अब तक इस केस की रिपोर्ट सामने आना बाकी है। तो वहीं दुबई पुलिस को 3-4 दिन के अंदर एक फाइनल रिपोर्ट दे दी कि श्रीदेवी का निधन एक एक्सीडेंटल ड्राइंग है। ये अपने आप में बेहद ही बड़ा संदेह पैदा करता है। ये एक बड़ा गंभीर विषय था जिसकी हम लोग जांच कर रहे हैं और हम इसकी जांच तक पहुंच चुके हैं। हमारे पास बेहद सारे ऐसे सबूत हैं जो हम वक्त आने पर मीडिया को और हिंदुस्तान की जनता को सबके सामने दिखाएंगे कि श्रीदेवी की असल निधन का क्या कारण है। कहीं ना कहीं जो वेद भूषण जो है ये तमाम फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, इसमें साफ तौर पर सारा जो निशाना है वो कहीं ना कहीं श्रीदेवी के पति बोनी कपूर पर जाता है। आपको बता दें कि श्रीदेवी की एक इंश्योरेंस भी हो रखी थी जो 240 करोड़ रुपए की थी। जी हाँ, 240 करोड़ की थी, जो साफ तौर पर श्रीदेवी के जाने के बाद उनके पति बोनी कपूर को मिलनी थी। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि बोनी कपूर एक ऐसे शख्स थे जो लास्ट टाइम पर श्रीदेवी के साथ होटल में मौजूद थे। एक दिन पहले बोनी कपूर मुंबई वापस आ गए थे, मगर अचानक से वो श्रीदेवी को सरप्राइज देने के लिए वापस दुबई लौटे और आखिरी टाइम पर
वो अपनी पत्नी के साथ थे। हालांकि तमाम तरह की चीजें अब सामने आ रही हैं, ये ऐसी गुत्थी बन गई है जो सुलझने के बजाय दिन ब दिन इसमें तमाम तरह की नई नई चीजें सामने आ रही है और ये सुलझने के बजाय और तरह की ये गुत्थी उलझती ही जा रही है। खैर, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि वेद भूषण की जांच में और क्या कुछ नए अहम ऐसी चीजें हैं जो वेद भूषण ने कहा कि आने वाले सही टाइम पर वो मीडिया और देश की जनता को बताएंगे कि आखिर श्री देवी की असली निधन का क्या कारण था। सो फ्रेंड्स, आपने देखा, हमने आपको स्पेशल प्रोग्राम में दिखाया श्री देवी के निधन की ये जो गुत्थी है, सुलझने के बावजूद भी ये गुत्थी एक बार फिर से पूरी तरीके से उलझ गई। आपने इस रिपोर्ट में देखा किस तरह से वेद भूषण ने बताया कि जब वो दुबई गए थे और दुबई पुलिस से उन्होंने श्रीदेवी के ब्लड सैंपल की रिपोर्ट्स मांगी और बाकी रिपोर्ट्स मांगी तो दुबई पुलिस ने वो देने से इनकार कर दिया। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि श्रीदेवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पेलिंग तक की मिस्टेक थी। उन्होंने कहा कि 3-4 दिन में दुबई पुलिस ने ये कैसे दावा कर दिया कि श्रीदेवी का जो निधन हुआ है वो एक एक्सीडेंटल निधन है। पूरी जांच इस पे प्रॉपर होनी चाहिए और उन्होंने इस बात का भी दावा किया है कि श्रीदेवी का निधन जो है वो सोची समझी प्लानिंग है। उन्होंने ये बात का जिक्र भी किया, उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले टाइम में वो मीडिया और पूरे हिंदुस्तान को इस चीज का दावा देंगे कि श्रीदेवी का जो निधन हुआ है वो पूरी सोची समझी प्लानिंग थी। जी हाँ, यहाँ पर तमाम तरह के सवाल इस टाइम खड़े हो रहे हैं कि अब तक के जो भी स्टेटमेंट कपूर परिवार ने दिए हैं, खास करके उनके पति बोनी कपूर ने, क्या वो सब झूठे थे। एक चीज आपको और बता दे, जो वेद भूषण ने बताई है, उनका कहना है कि श्रीदेवी के नाम 240 करोड़ की पॉलिसी थी जो ऑटोमेटिकली श्रीदेवी के बाद बोनी कपूर की हो गई। ये तमाम चीजें सुनने के बाद जैसे हमारे जहन में ये तमाम सवाल उठ रहे हैं, लाजमी है कि आपके जहन में भी ये तमाम सवाल उठ रहे होंगे। खैर, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आगे इस मामले में और क्या कुछ नए पहलू खुलते हैं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।